आपने मरना है, जब मरना है एक दिन फिर इस एटम बम को रख के कान में लेना है। हम अभी ऑर्डर दे पाकिस्तानी हुकूमत, हम अल्लाह की कसम, हम कसम बांध के जाएंगे। कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे, इसराइल छोटी सी है। ठीक है, ये भी इंडिया में जो जुलूस निकला, अच्छा इतना बड़ा जुलूस निकला, ठीक है 5 दिन हो गए इन्होंने बम्बई को बंद करके रख दिया, इनको पता नहीं है मुसलमान की पावर का। मुस्लिम से कुछ लोग जो कश्मीरी हैं माइग्रेट करके, जब माइग्रेट का टाइम था वो इंडिया साइड कश्मीर में गया, वहाँ पे वोट डाल रहे हैं और उन्होंने मीडिया से बात किया कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, वोटिंग का हक मिल रहा है, सब ठीक है। पहली बार वोट यहाँ पड़ा है और 1947 के हम रिफ्यूजी हैं, बेस्ट पाक रिफ्यूजी। हमें 70 सालों तक किसी ने पूछा नहीं था, आज 2014 के बाद हमें नागरिकता भी मिली है और वोट डालने का हक भी मिला है। तो अगर वो चले गए हैं तो उनको आगे जाके पता भी चल जाएगा कि आगे उनके साथ क्या होगा। ठीक है, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद मुल्क हैं। अभी पूछ लेते हैं सर जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आजाद हैं इंशाल्लाह, क्यों नहीं, आप इंडिया में रह के देख लें। अच्छा आप रह के आए हैं, आप देख लेना, आप देख लीजिए मीडिया पे टीवी पे क्या मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, उनसे उनकी नेशनलिटी खत्म की जा रही है, जो वाजपेयी 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 मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की वही जमात तो वही है ना, उनका एजेंडा एक है। ठीक है, खबर मैं इसी के ऊपर आता हूँ, आपने ये बात की है, नो डाउट पाकिस्तान के हमें हर जगह पे मीडिया पे ये दिखाया जाता है, हमारे सोशल मीडिया पे ये चीजें सामने आती है, हमारे स्कूल कॉलेजेस में बताया जाता है जी जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारी उधर मुसलमानों की इज्जत महफूज नहीं, ठीक है इधर हमारी इज्जत महफूज है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे हुकूमत पूरे हैं, महंगाई या ये वक्त उतार चढ़ाव आता रहता है हर हुकूमत में। अच्छा मुझे बताएं, इधर हमें पूरी फ्रीडम है, पूरी आजादी है, इंशाल्लाह आजादी है, फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आप बोल सकते हैं, क्यों नहीं, इधर धरने, इधर अभी अभी हिज़्बुल्लाह के लीडर को मारा गया, जब तक हम IMF का कश्कोल खत्म नहीं करेंगे और हम इस्लामी किला, इस्लाम का दफा और पाकिस्तान का किला हम नहीं बन सकते। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है अभी हम IMF के कंट्रोल में हैं, उनके कब्जे में हैं या उनकी गुलामी में हैं, हमारे जिम्मेदार तबका भी उनके कब्जे में है। शहबाज शरीफ गए, हमारा प्राइम मिनिस्टर गए शहबाज शरीफ, अच्छा उन्होंने शर्त रखी है कि हमारे जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त टैक्स लगाया जाए। अभी ये सर कह रहे थे कि हम आजाद हैं, अभी खुद कह रहे हैं कि हम IMF के गुलाम हैं, सर यही तो बात है ना, आप देखने वाले कहेंगे अभी एक मिनट पहले आप कह रहे थे हम आजाद हैं, आजाद जरूर है लेकिन जो ये IMF से कर्जा लेते हैं ना जी वो छोड़ दे, हम घास भी खा लेंगे, सदर जिया की बात मुझे अभी तक नहीं बोलती, घास खाएंगे और हम एटम बम बनाएंगे, ठीक है हम अब घास भी खा लेंगे लेकिन इन कुत्तों से कर्जा नहीं लेना। ये सोच तो मैं कहता हूँ, चले कुत्ते नहीं मैं कहता हूँ एक तो हम उनसे हेल्प ले रहे हैं, मेरे पास नहीं, एक तो हम उनसे हेल्प ले रहे हैं, ऊपर से गालियाँ निकाल रहे हैं, नहीं ना लेना, ये अमेरिका हमारी नस्ल कशी करा रहा है फलस्तीन में, ठीक है अमेरिका मरवा रहा है लबनान में, अच्छा अमेरिका के सर पे इसराइल चढ़ रहा है, आज उन्होंने लबनान पर जमीनी हमला कर दिया, हाँ बिल्कुल किया, ठीक है और हमास के जो लबनान का लीडर है उसे भी मार दिया गया है, हमास के चीफ को भी मार दिया गया, जितना मुल्क है चिड़ी जितना, ठीक है और वो पूरे 57 मुल्कों पे काबिज है, इसका मतलब क्या हुआ, बेशक गुस्सा है लेकिन ये जो सच है, इसका मतलब जो चिड़ी जितना इसराइल है वो 57 इस्लामिक कंट्री से है, हमारा जनाब एक पंजाब के लोग चले जाए ना, पंजाब के आधे लोग या तीसरा हिस्सा चले जाए, अच्छा इसराइल हमारा से नहीं लड़ सकता पांच दुनिया की जो मर्जी, लेकिन सर उनके पास टेक्नोलॉजी बड़ी है, अभी पता ना पेजर के साथ जो वो अटैक किया है, जमीनी अटैक हो, ठीक है अफगानिस्तान के रस्ते जाए, ईरान जाए, ईरान से उधर जाए और जमीनी हमला करे, ठीक है और इधर से पाकिस्तान अपनी इमदाद करे। आपने ये बोला ठीक है, इसके ऊपर मैं आता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, मैं कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ लेकिन ये कि बात करेंगे तो ही बेहतरी होगी, हमारी जो गवर्नमेंट है हमें मंगते, यही बात है ना, हम मतलब बड़ी मंगते, समझते हो भीख मांगने वाले, ठीक है जब तक भीख मांगते रहेंगे इस कौम का यही हाल, ये भी अंकल भी यही बात कर रहे थे, हम परेशान, हमारे बच्चे परेशान, ठीक है घरों के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कश्मीर के इशू को हम जो है वो हर दफा ले, कश्मीर पे क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर जब से इस जुल्म पे आ रहा है कोई किसी बंदे ने आवाज उठाई है, अच्छा या हमारे शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा काम किया है, ठीक है या किसी और मिनिस्टर ने कोई आवाज उठाई है, आपने मरना है, जब मरना है एक दिन फिर एटम बम को रख के कान में लेना है, अच्छा तो एटम बम किस पे चलाए, ये
किन के लिए बनवाया? इसराइल के लिए और अफगानिस्तान, इंडिया पे और इसराइल पे चलाना चाहिए। इसराइल नेट पे आप देखें, माशाल्लाह आप एंकर हैं, बिल्कुल नेट पे इतना यकीन करें कि दिल जो है ना वो खून के असर होता है, कि वो बच्चे लेके नीचे बैठे हुए हैं और रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अल्लाह कल से हमारी लड़ाई आपके साथ होगी। ये जो 18 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी भी आ सकती है, हम भी नहीं उससे बच सकते। हमारा मसला ये है कि हम 57 इस्लामी ममालिक हैं, हम इत्तेहाद के साथ, हमारा इत्तेफाक नहीं है। आपने बोला कल को हमारी बारी भी आ सकती है, इवन कुछ न्यूज एजेंसी की तरफ से खबर है, मीडिया की तरफ से खबर है कि इसराइल ये कह रहा है कि जो जो कंट्री, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक या पाकिस्तान, जो हमारे खिलाफ बोलेगा, वो मेरा हिस्सा है। अच्छा, आज इसराइल ने बोला कि पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान भी इसराइल का हिस्सा है, ये इसराइल बोल रहे हैं, इसराइल कह रहा है। अच्छा, ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इसराइल का जो उनका मतलब है ना, उसमें वो कह रहा है। ये तो मैं मतलब हैरान करने और हम सदर प्यूटन का सलूट करता हूँ जो इस्लामी मुल्कों की मदद कर रहा है और उनके साथ खड़ा है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? इस्लामी लीडर नहीं खड़ा, प्यूटन का सलूट करता हूँ। फिर ये हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं? मैं प्यूटन का सलूट करता हूँ, किसे? इस्लामी लीडर का सलूट नहीं करूंगा, सारे इस्लामी लीडर लानती है। अच्छा, तो फिर रशिया ने, जब इसी रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, तब भी वो बात और थी, अब बात और, अब वो उसने कुरान पाक को बोसा दिया। अच्छा, हम उस मामले में न्यूटन के साथ हैं। ठीक है, खैर ये अगर हम बात करें तो इधर एक चीज में ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि ये गाड़ी गाड़ी गुजर जाए, सॉरी डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा इधर आ जाए, गाड़ी गुजर जाए। लीडरों ने मारा हुआ है, हमारा लीडर अच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा फतह है, लीडर अच्छा मिल जाए हमें, ठीक हो गया, हमें एक लीडर अच्छा मिल जाए। बोला कि रशिया का जो प्रेसिडेंट है पुतिन की अगर बात करें, वो फलस्तीन के साथ या मुसलमानों के साथ खड़ा है, उसे सलूट करते हैं। मुझे बताएं, इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्प भेजी है फलस्तीन में, इंडिया ने अपना असला बेचा है, पूरा जहाज भेजा है, बकवास है, इसराइल को असला बेच रहा है इस इंडिया के असला से। आपको फिर खबर बताऊं, आप शायद थोड़ा नेट इंटरनेट की आपने बात की, यार उधर से तुम असला भेज दो, उधर से एक ट्रक भेज दिया, जहाज भेज दिया, ये कौन सा इंसानों वाला काम है? अच्छा, तुम अपना असला बेच रहे हो, यार मुझे ये बताएं, इंडिया तो यूक्रेन को भी असला बेच रहा है, खबरें तो ये पाकिस्तान से भी यूक्रेन जा रहा है, खबरें हैं कि नहीं? भी जा रहा है, पाकिस्तान ही देता, पाकिस्तान बहुत ना, आप फिर एक साइड की खबर देखते हैं, पाकिस्तान गुड मुल्क है, पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो इस्लाम आर्मी चीफ है वो बहुत अच्छा है। अभी इसराइल के एक खबर थी, वहाँ की एजेंसी, वहाँ की मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो चीफ हैं वो हमारे साथ, मतलब प्रॉपर फोटो भी है और उन्होंने बोला कि भाई इल्जाम लगाया है। अच्छा, आपने वैसे खबर सुनी है कि नहीं? भाई पाकिस्तान हमारे साथ मिल गया, हमारा जो चीफ है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, और बेसिकली जो उसकी सही जो बात है वो है हाफिज कुरान, उसकी बात पे डाउट भी कर सकते हो। हमारे कश्मीर के मजलूमों पर जो जुल्म किया जा रहा है, अच्छा हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। ये जो यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कौन जुल्म, कहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान की नहीं, इंडिया में जो जुल्म कर रहा है। अच्छा, अभी हम भाई आपको थोड़ा सा वैसे बताता हूँ, चले आपकी ओपिनियन है कि इंडिया साइड जहाँ हमें बताया जा रहा है जुल्म हो रहा है, उधर वोटिंग भी हो रही है, उधर वोटिंग हुई है और 60-70% जो कश्मीरी है उन्होंने वोट की है मुख्तलिफ इंडियन पार्टीज को, इसका मतलब है कि उनकी डेमोक्रेसी के साथ चल रहे हैं। जी जी, अभी देखे ना, अभी इंडिया में गुस्ताखी, क्या इंडिया में अभी गुस्ताखी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंडिया में जो जुलूस निकला, अच्छा कितना बड़ा जुलूस निकला, ठीक है, 5 दिन हो गए उन्होंने बम्बई को बंद करके रख दिया, इनको पता नहीं है मुसलमान की पावर का, मुसलमान की पावर का पता पावर का पता नहीं है, अभी हम मुसलमान बड़े हुए हैं, अच्छा जब हम एक बराबर हो गए ना मुसलमान, ठीक है, एक साथ हो गए, फिर देखना इंडिया को, ठीक है, कैसे तो हम एक मुसलमान एक बराबर हो क्यों नहीं रहे? और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उधर कौन सा सिटी बंद कर दिया, बम्बई का शहर, बम्बई शहर बंद कर दिया, इसका मतलब है कि उधर मुसलमानों को इतनी आजादी है कि वो पूरा शहर बंद कर सकते हैं, अभी इतनी पावर मुसलमानों में उधर है, अभी इधर लाहौर बंद कर सकते हैं हम, पुलिस उठा के ना ले जाएगी, यही तो बात है ना, फिर आजादी कहाँ पे, कहाँ पे है आजादी, तो वहाँ पे है ना, देखे अभी उनको पता चल गया कि मुसलमान के पास कितना पावर है, उनको पता है कि इंडिया में भी कितना मुसलमान बस रहा है, हमारे से ज्यादा उधर मुसलमान मौजूद हैं, ज्यादा मौजूद हैं, ठीक है, फलस्तीन के हालात देखें, ठीक है,
35,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुका है फलस्तीन में, 35 नहीं 40 से भी ज्यादा जो जाने जा चुकी नहीं है। इधर पाकिस्तान में हमारा सो रहे, नींद कर रहे, खाना खा रहे हैं। अच्छा, उधर हमारी माए बहने नहीं है। अगर पाकिस्तानी जाग जाते हैं, लो आप कह रहे हैं ना सो रहे हैं, समझो हम जाग के फिर हम क्या कर सकते हैं फलस्तीन के लिए? फलस्तीन के लिए बहुत कुछ कर सकते, क्या कर सकते हैं बताएं? इसराइल को पता चल जाएगा मुसलमान की ताकत क्या। हाँ, मुझे अभी अभी बताएं ना, आप देखने वालों को बताएं क्या पता, ताकि हमें भी पता चले कि ये चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है। हम सब कुछ कर सकते हैं, जो कुछ हमसे हो सकेगा हम कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं अपने फलस्तीन भाइयों के लिए। ठीक हो गया, अब मैं आपको खबर बताता हूँ। आपने कश्मीर की बात की है ना, इंडिया साइड कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं, उधर पाकिस्तान से लोग जो माइग्रेट, पहले जब माइग्रेशन हो रही थी माइग्रेट करके गए, उधर जाके अब उन्होंने वोट डाला और वो मीडिया को बता रहे हैं कि हम खुशकिस्मत अपने आप को फील कर रहे हैं कि हमें वोटिंग का हक मिल रहा है वहाँ पे। नहीं नहीं, अच्छा ये दूसरी बात नहीं है ना। अच्छा, फिर कैसी ये बात है? ये तो हमें फलस्तीन चाहिए, हमें, अच्छा हमें फलस्तीन की भी आजादी चाहिए और कश्मीर की भी आजादी चाहिए। और पाकिस्तान आजाद है? पाकिस्तान कहाँ से आजाद है? इधर देखो इमरान खान, पहले पाकिस्तान की बात कर लो। यही तो बात है कि इमरान खान तो जेल में है ना अभी। अच्छा, जरा से कोई इमरान खान का नाम लेता है, झंडा लगाता है या कोई जुलूस में चलता है, उसे पुलिस उठा के ले जाती है। ठीक है, यहाँ कौन सी हमें आजादी है? और आप अभी कह रहे थे कि पूरा मुंबई शहर बंद कर दिया मुसलमानों ने, इधर से अंदाजा हो सकता है कि हो सकता है अभी इधर से हम इस्लामाबाद बंद कर सकते हैं? पुलिस नहीं नहीं, सवाल ही पैदा, अगर रास्ते बंद कर देती है पुलिस कहाँ जाने देती है? ठीक है, आए जी, मजीद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। बेसिकली इसका इसकी रीजन यही है ना कि हालात जो है पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान में आप देख लें हालात ऐसे हुए पड़े हैं कि इंसान कोई कदर ही नहीं है ना, इंसान के जान की माल की कोई तहफ्फुज़ है ही नहीं। तो वैसे हम कहते हैं हमने जी फलस्तीन को आजाद कराना है, फलस्तीन कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले हम खुद सही होंगे तो हम किसी को जाके आजाद करवा देंगे ना, हम खुद आजाद ही नहीं है। ठीक है, हम बस आपको बताइए किसके गुलाम है, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका के गुलाम है, कुछ लोग कहते हैं हमारे जो हुक्मरान है उनके गुलाम है, लेकिन मेरे ख्याल से हम अपनी सोच के गुलाम हैं, हमारी सोच नहीं हो रही, अवेयरनेस नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें हमें एक दूसरे की ना सलूक इत्तेफाक से रहेंगे, एक दूसरे का एहसास करेंगे तो फिर जाहिर बात है एक कम्युनिटी बिल्ड होगी, जबरदस्त होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको भी अपनी राय देना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स भर दो, सबको रिप्लाई भी मिलेगा, अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।